Hello student, in last videos we have discussed about the hydroelectric power plant, right? So in this video we will discuss about the wind energy, that is another renewable sources of energy, right? तो हमने last videos में hydroelectricity produce करने का process समझा था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विंड एनर्जी को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ विंड एनर्जी एंड द फर्स्ट वर्ड इज विंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड? विंड का मतलब होता क्या है? इज इट अ एयर और समथिंग अदर एल्स, राइट? क्या ये हवा है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ विंड विथ अ वेरी सिंपल practical. So this is a paper sheet, right? ये क्या है? एक paper sheet है। अब इसको ध्यान से देखना। समझ में आया? क्या है ये क्या? आप देखना, ये स्थिर, stable, stationary position। अभी भी क्या यहां पे विंड है? क्या नहीं? सिंपली क्या है यहां पे? एयर है। लेकिन इफ अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या है? विंड है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग विंड देयर, इट मींस दैट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, राइट? सो वी कैन से दैट विंड इज अ मूविंग एयर, राइट? विंड क्या है? एक मूविंग एयर है, ठीक है, दैट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? अब ये एयर मूव कैसे करता है, विंड कैसे फॉर्मेशन होता है? तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का सरफेस क्या होगा, क्या होता है, सब जगह अलग अलग टाइप का होता है। तो वो सन का हीट को क्या करता है, अलग अलग रेट से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और डिफरेंस होता है एब्जॉर्बिंग में, एब्जॉर्ब करने में, तो क्या होता है, कोई ज़्यादा गर्म, कोई कम गर्म हुआ। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यही कारण बनता है फ्लो ऑफ एयर का, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ विंड में यही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया विंड की बात, ठीक है। अब विंड एनर्जी क्या है फिर, ठीक है। तो विंड एनर्जी, द एनर्जी फॉर्म्ड ड्यू टू द इन विंड, राइट? द एनर्जी फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ड्यू टू द मूविंग एयर इज नोन एज विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग एयर। अब सर एनर्जी तो हो गया, कौन सा एनर्जी होता है फिर? तो ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग एयर, ठीक है, उसमें एनर्जी होता है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो तो ये तो हो गया एनर्जी जो कि मूविंग एयर से प्रोड्यूस हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है। तो क्या विंड एनर्जी पहले मालूम था? बेसिकली विंड एनर्जी के बारे में हम लोगों को बहुत पहले से मालूम था, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, यूजेज ऑफ विंड एनर्जी का के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट दीज आर द मेन यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। फर्स्ट वन, विंड एनर्जी इज यूज्ड बाय एरोप्लेन्स टू कंट्रोल देयर मूवमेंट, राइट? विंड एनर्जी का यूज एरोप्लेन से किया जाता है, ठीक है। विंड वो अपने पोजीशन को क्या, उसका जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, वो रोटेट करते हैं, उससे क्या होता है, उसका मूवमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। कभी आप प्लेन में सफर करोगे, जर्नी करोगे, तो इस चीज को आप फील करना, ठीक है। सेकंड वन, विंड एनर्जी इज यूज्ड इन सेल बोट्स। आपने देखा होगा बहुत सा, ऐसे अगर नहीं देखा तो मूवीज में देखा होगा, जो सेल बोट्स होता है ना, उसमें बड़े से कपड़े को बांध कर रखा जाता है और वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से हवा आया उधर ही उसको धकेलता है, ठीक है, तभी वो सेल करता है, ठीक है। और आपने शिप्स में भी देखा होगा, ठीक है, शिप्स में भी उसी तरीके से एयर का यूज होता है। मोशन ऑफ एयर के चलते क्या होता है, वो शिप्स भी चलता है, ठीक है। एंड थर्ड यूज, विंड एनर्जी इज यूज टू रन विंड मिल्स। हम लोग
आगे विंड मिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो भी विंड के चलते ही क्या होता है, मूव करते हैं, ठीक है। एक और यूजेज देख लें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम लोग विंड मिल्स में पढ़ेंगे, राइट। सो एयर इज ऑल्सो, विंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें प्रोड्यूस करेंगे। एंड ऑल्सो विंड इज यूज्ड इन ओल्डन डेज फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स एंड पंपिंग वाटर, ठीक है। विंड एनर्जी का यूज बहुत पहले क्या ग्रेन्स को ग्राइंड करने में भी इसका यूज होता था, ठीक है। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ विंड एनर्जी एंड सम ऑफ द यूजेज ऑफ विंड एनर्जी। नाउ वील डिस्कस अबाउट द पावर जनरेशन बाय द विंड एनर्जी। सो नाउ वील डिस्कस अबाउट द पावर जनरेशन थ्रू द विंड मिल्स। तो विंड मिल्स में सबसे पहले क्या होता है ना, विंड टर्बाइन का यूज किया जाता है। किसका? विंड टर्बाइंस का, ठीक है। तो देखो ये जो विंड टर्बाइंस क्या होता है, ठीक, वही टर्बाइन जो हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी देखा था कि वाटर क्या होता है उसी टर्बाइन पर फ्लो होता है, गिरता है और वो मूव करने लगता है, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी होता है। क्या होता है देखो, ये क्या है, मूविंग एयर, और इस मूविंग एयर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, जब भी ये देखना जो विंड टर्बाइन होता है ना, विंड टर्बाइन किसको, ये इस पूरे को समझ लो, ठीक है। विंड मिल्स के लिए जो यूज होता है, बड़ा सा पोल होता है, उसके ऊपर पंखा लगा होता है, ठीक है, सबसे ऊपर में। तो ये जो ब्लेड्स होता है उससे ये स्ट्राइक करता है, ठीक है। एंड इसका फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि उसमें से एयर जब भी स्ट्राइक करेगा तो वो क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। ब्लेड एकदम प्लेन नहीं होता है, उसका बनावट इस तरीके से होता है कि वो एयर उससे टकराया फिर अगले वाले से टकराएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें मूवमेंट आती है और ये क्या होता है, रोटेट्स करने लगता है इस तरीके से, सर्कुलर, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। एंड दिस रोटेशन, ड्यू टू दिस रोटेशन द शाफ्ट कनेक्टेड विथ द जनरेटर ऑल्सो रोटेट्स, ठीक है। और ये इसका रोटेशन ये किससे होता है, एक जनरेटर का शाफ्ट से कनेक्ट रहता है और वो शाफ्ट भी क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ शाफ्ट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एक बल्ब लगा लेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग एक विंड टर्बाइन की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही लेस करंट मिलता है हम लोग को, ठीक है। उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को विंड एनर्जी फार्म बनाया जाता है, ठीक है। विंड एनर्जी फार्म, एक नया चीज आ गया, विंड एनर्जी फार्म, ठीक है। क्या होता है विंड एनर्जी फार्म, सो व्हेनेवर विंड टर्बाइन्स आर यूज्ड इन अ लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज नोन एज विंड एनर्जी फार्म, ठीक है। अगर हम लोग इसी टर्बाइन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करने लगेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा, सब एक से मान लो कि 5 एम्पियर करेंट आया, ठीक है, एक और लगाया हमने तो दोनों मिलकर 10 एम्पियर, फिर दो और लगा लिया तो 10 और 20 एम्पियर, इस तरीके से बहुत ज़्यादा टर्बाइन से क्या होगा, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा उसको एक जगह डिपॉजिट कर लेंगे, तो वो हम लोगों का क्या होता है, लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंड एनर्जी फार्म, जहाँ पर बहुत सारा टर्बाइन लगाया होता है, ठीक है। अब देखो इतना आसान नहीं होता है कि ये जो ब्लेड होता है वो घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पर शाफ्ट के रोटेशन से पहले ना गियर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है एक गियर बॉक्स, गियर नहीं देखा आपने, देख लो ये है गियर, ठीक है, वही गियर जो कि साइकिल में हम लोग पहले यूज किया करते थे, ठीक है। हम लोग क्या हमेशा मम्मी पापा से कहते गियर वाली साइकिल ला कर लो, ठीक है, तो वही वाला गियर क्या होता है, एक बड़ा सा गियर सबसे फर्स्ट एंड पर होता है ना, ये इस तरीके का जो गियर होता है, ठीक है, ये बड़ा वाला कनेक्ट होता है किससे, इसके बाद एक छोटा सा गियर होता है,
ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना इस तरीके से। अब देखो ये जब बड़ा वाला गियर घूमेगा एक धीरे धीरे से, धीरे धीरे भी अगर मूव करेगा तो ये बहुत बार रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, गियर यहाँ पर मेंटेन करता है रोटेशन को, किसका, शाफ्ट के रोटेशन को। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हवा तेज आने लगता है, कभी स्लो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पर रोटेशन में। तो ये गियर क्या करता है, रोटेशन ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड विद द जनरेटर उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मेंटेन करके रखता है, जो कि हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो से तो ये था विंड मिल्स की कहानी, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नाउ विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द विंड एनर्जी फार्म और सिंपली विंड मिल्स, और सिंपली वी कैन से दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। तो एडवांटेजेस कह लो या फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखो एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, इसको हम लोग जब चाहे तब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, इट डजेंट क्रिएट्स पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द रूरल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वहाँ पर अगर हम लोग विंड मिल फार्म, विंड एनर्जी फार्म्स इस्टेब्लिश कर देंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंजर्व कर सकते हैं बाई यूजिंग विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो बाकी जो फॉसिल फ्यूल होगा वो तो कंजर्व ही होगा ना। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। नाउ विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ द विंड एनर्जी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है, विंड एनर्जी फार्म्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर, सही बात है, हम लोग सब जगह इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो कि बहुत सारा बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है बहुत ही लार्ज स्केल में, ठीक है। अब उसके बीच में हम लोग चाहें कि विंड एनर्जी फार्म इस्टेब्लिश कर ले तो कर सकते हैं क्या? बेसिकली नॉट, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक एरियाज होता है जहाँ पर विंड एनर्जी मिल जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सके, क्लियर। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो विंड टर्बाइन होता है, ठीक है, अगर एयर का काइनेटिक एनर्जी का जो स्पीड होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स उतना हो जाए तो हम लोग का प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हवा चल रही है एकदम स्लो मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब हम लोग एक विंड एनर्जी टर्बाइन यानी कि एक पोल लगा लेंगे तो उससे हम लोगों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या, बहुत ही लार्ज स्केल में हम लोगों को सेम पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखना कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा तो आप मूवीज में देख लेना या सिंपली यहाँ पर देख लो कितना ढेर सारा विंड एनर्जी टर्बाइन लगा है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंट लैंड कवर करता है, क्लियर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज वेरी एक्सपेंसिव, सही बात है, इसमें बहुत ही खर्च आता है, ठीक है। पहली बात कि आपको एक लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, उसमें खर्चा आया, अब उसके बाद आप उसमें टर्बाइन लगाएंगे, जनरेटर यूज करेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव, लेकिन ये वन टाइम होता है, ठीक है, एक बार आपने खर्चा किया फिर उसके बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते रहो, ठीक है। तो ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी।
चलो अब हम लोग अपने इंडिया के स्टेटस को चेक करते हैं विंड एनर्जी की। ठीक है, विंड एनर्जी इन इंडिया, टू इंडिया। ठीक है, हमारा कंट्री इंडिया की कैपेसिटी कितनी है? 40,000 अप्रोक्स मेगा वॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एनर्जी। ठीक है, बट वी आर जनरेटिंग ओनली अप्रोक्स 1,025 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सोचो कितना कितने की कैपेसिटी है और कितना हम लोग इसका जनरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो ये फिफ्थ पोजीशन पर है, किसमें? इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एनर्जी। ठीक है, तो फिर फर्स्ट नंबर पे कौन सा है सर? फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है जर्मनी। ठीक है, लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इन इंडिया कौन सा है बच्चे? तो ये क्या है, कन्याकुमारी में है। ठीक है, अब कन्याकुमारी कहाँ है? तो ये है, पता है सबको, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इंडिया में लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, ये यहां से कन्याकुमारी से अकेले 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट अबाउट द डेनमार्क, फेमस डेनमार्क एंड इट इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड। ठीक है, और ये अपने कंट्री में क्या करता है ना, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 25% यूज जो करता है वो किससे करता है? विंड एनर्जी के थ्रू करता है। ठीक है, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विंड एनर्जी, व्हाट डज द विंड मीन, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पावर जनरेशन थ्रू द विंड मिल्स, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।